शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई है और इस टाइम बात है आपके हेल्थ इंश्योरेंस की। बात असल ये है कि अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना और महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम साल दर साल बढ़ रहे हैं और ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कह रही है। COVID-19 यानी पैंडमिक के बाद से देश में हेल्थ इंश्योरेंस को लेके वैसे जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन एक साल के अंदर प्रीमियम का बोझ भी बढ़ गया है। लोकल सर्कल्स नाम की कंपनी ने सर्वे किया था, जिसमें पता चला कि आधे से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स का ये मानना है कि उनका इंश्योरेंस प्रीमियम एक साल में लगभग 25% महंगा हो गया। खास बात ये है कि प्रीमियम इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर IRDAI के बदले हुए नियमों से पहले ही महंगा हो चुका था। बता दें कि IRDAI ने हाल फिलहाल में एक रूल चेंज किया था, वो ये है कि अब 65 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को भी हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, पहले ऐसा अक्सर नहीं हुआ करता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक IRDAI के नियमों के बदलाव के चलते प्रीमियम में 1000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। लोकल सर्कल्स ने 11,000 कस्टमर्स को अपने सर्वे में शामिल किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 52% पॉलिसी होल्डर्स का यह मानना है कि पिछले एक साल में उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 25% बढ़ गया। इनमें से 21% ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि पिछले एक साल में उनका प्रीमियम 50% से ज्यादा बढ़ गया। वहीं 31% का ये मानना है कि उनका प्रीमियम 25 से 50% तक महंगा हुआ और बचे हुए 31% का ये मानना है कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 10 से 25% तक महंगा हुआ और बचे हुए 2% लोगों का कहना है कि उनका प्रीमियम मैक्सिमम 10% तक महंगा हुआ। वैसे ये प्रीमियम और परसेंटेज का फर्क पॉलिसी टू पॉलिसी एंड कंपनी टू कंपनी भी हो सकता है, लेकिन इन शॉर्ट ज्यादातर पॉलिसी होल्डर्स का यही मानना है कि जब से पैंडेमिक आया और खत्म हुआ है, तब से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर काफी इजाफा हुआ। अगर आप भी बढ़ते हुए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से परेशान हैं, ये महंगाई आपको खा रही है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।